राजधानी शिमला में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई हुई नजर आ रही है। रागर के नालों में पानी ओवरफ्लो होकर लोगों के घरों में जा घुसा। इसके बाद लोग डरकर बाहर आ गए। स्थानीय पार्षद कल्याण चंद धीमान खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा नगर निगम के कर्मचारी नालों में आए मलबे को हटा रहे ताकि पानी की निकासी हो सके। गौरतलब है कि पिछले महीने ही नालों की सफाई करवाई गई थी, इसके बावजूद बारिश इतनी ज्यादा हुई कि नालों का पानी ओवरफ्लो होकर सीढ़ियों से आग घुसा। बताया जा रहा है कि ऊपर की तरफ पहाड़ी में लैंडस्लाइड होने की वजह से मिट्टी जाकर नालों में जा घुसी। इसकी वजह से नाला ब्लॉक हो गया और पानी लोगों के घर में जा घुसा। स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है जी। वैसे कल भी जो पुराने बस स्टैंड से नीचे एजुकेशन के पीछे स्लाइडिंग हुई है, कल भी मैंने डिपार्टमेंट को अपने रोड एंड बिल्डिंग वालों को और सीवरेज वालों को सूचित कर दिया था। आज भी सवेरे से हमारे लालकोटी में जो हवागढ़ से नीचे को रास्ता उतरा है वहाँ भी एक स्लाइडिंग हुई है, वहाँ नाले बंद है। हम लोग खुद स्वयं नाले खोल रहे हैं, सुबह से लगे हुए थे। उसके उपरांत मेरे को यहाँ रामनगर से फोन आता है तो यहाँ भी जो ऊपर का सारा पानी यहाँ लोगों के घरों में घुस रहा है। स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है और मैं खुद प्रयास कर रहा हूँ कि जहाँ भी लोगों को समस्या है मैं साथ लग गए उस समस्या का समाधान कर रहा हूँ। तो उसे यही निवेदन करूँगा कि जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि समय में बहुत नाजुकता है और ऐसे समय में अपनी सेहत का ध्यान रखें तथा अपने घरों में ही रहें। एन स्टार न्यूज़ के लिए शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट।